सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल GPADVICE और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। अरे दोस्तों, आज सभी का हमारे और आपके यूट्यूब चैनल GPADVICE में वापस स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही कि कल एचआरडी मिनिस्टर की और एजुकेशन मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी, तो गाइस उस मीटिंग के अंदर ऑनलाइन एग्जाम करवाने के लिए क्यों गवर्नमेंट पे ज़्यादा बर्डन था, क्यों सभी गवर्नमेंट जो क्लास 9th और 11th के एग्जाम हैं ऑनलाइन करवाना चाहती है, इसका रीजन क्या था, वो तो गाइज मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। लेकिन गाइज इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को आपके काम की चीज़ बताना चाहूँगा। तो गाइज मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अभी अनअकैडमी के अंदर डेली T20 फ्री प्रैक्टिस टेस्ट चल रहा है कर्नाटका CET स्टूडेंट के लिए और बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट के लिए। गाइज जो ये टेस्ट है ये एकदम फ्री है, बच्चे बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए या फिर KCET 2021 की तैयारी करने के लिए इस टेस्ट का यूज कर सकते हैं। गाइज ये टेस्ट एकदम फ्री है, गाइज कुछ भी नहीं करना, आपको अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है और मैंने जो डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखी है उस पर क्लिक करके अनअकैडमी ऐप में जाकर इस टेस्ट को एनरोल करना है। गाइज ये डेली फ्री टेस्ट होता है, कई बार आपसे इनविटेशन कोड वगैरह मांगा जाता है, तो गाइज इनविटेशन कोड के अंदर आपको कुछ भी नहीं करना, GPADVICE स्टैंड कोड यूज़ करना है और आप फ्री प्रैक्टिस टेस्ट के लिए एनरोल कर पाओगे। गाइज ये डेली टेस्ट होता है, आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आपके प्री बोर्ड होने वाले या फिर KCET 2021 के एग्जाम देने वाले हो आप, तो गाइज इस फ्री प्रैक्टिस टेस्ट को आप ज्वाइन कर लो, काफ़ी गाइज आपकी हेल्प होगी बोर्ड एग्जाम के अंदर और KCET एग्जाम के अंदर। गाइज इसमें जो क्वेश्चन है वो NCERT बेस है या फिर जो आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चन है, टॉप एजुकेटर बोर्ड एग्जाम के पेपर के अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, तो गाइज जरूर एक बार ट्राई करो, इतने बड़े प्लेटफॉर्म में फ्री में आपको इतना कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, तो एक बार जरूर गाइज ट्राई करो मेरे कहने पे। और गाइज मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप एक बार भी इसको ट्राई करोगे तो आपकी बहुत ज़्यादा बोर्ड एग्जाम की तैयारी होगी बहुत अच्छी तरीके से। तो गाइज जरूर डिस्क्रिप्शन दी गई लिंक पर क्लिक करके एक बार जाकर एनरोल करो, फ्री है एकदम, तो जरूर ट्राई करना। तो गाइज देखो, ज़्यादातर स्टेट गवर्नमेंट चाहती थी कि एग्जाम ऑनलाइन हो, और जहाँ तक गवर्नमेंट ने भी डिसीजन इसी तरीके का लिया है कि घुमा फिरा के एग्जाम ऑनलाइन ही हो सकते हैं, अब वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है। वैसे गाइज देखो, आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो सभी स्टेट गवर्नमेंट का मेन रीज़न था कि एग्ज़ाम ऑनलाइन करवाने का मेन रीज़न एक ही था कि सभी स्टेट्स के अंदर एक ना एक जो न्यू कोविड आया है उसके केस आ गई है, और सभी गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि अगर ये केस फैले तो काफ़ी ज़्यादा रिस्क हो सकता है उसके स्टेट के अंदर, वापस से लॉकडाउन वगैरह करना पड़ सकता है, और अगर लॉकडाउन करना पड़ा तो उनकी स्टेट की इकोनॉमी काफ़ी ख़राब हो जाएगी इनडायरेक्टली। तो मेन रीज़न ये था कि क्योंकि न्यू जो वायरस है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेन रीज़न ये था। दूसरा मेन रीज़न उनका ये था कि ऑफलाइन एग्जाम करवाने के पीछे मेन ये भी रीज़न है कि जो स्कूल्स हैं उनके पास में फ़ंड नहीं है, फ़ंड मतलब गाइज अभी तक स्कूल के पास में इतना पैसा नहीं कि वो वापस से प्रॉपर तरीके से एग्ज़ाम करवा सके, क्योंकि उन्होंने कई टीचर्स को निकाल दिया जॉब से, तो एग्ज़ाम हॉल के अंदर ड्यूटी देने के लिए कोई टीचर नहीं है, मतलब इस टाइप की प्रॉब्लम है स्कूल की खुद ही फाइनेंशियल। तीसरा मेन रीज़न है कि बच्चे अभी तक फ्रेंडली नहीं है स्कूल के माहौल से, क्योंकि बच्चों ने पूरे साल स्टडी ऑनलाइन करी है, तो वो ऑफलाइन एग्ज़ाम देने के लिए फ्रेंडली नहीं है। तो ये तीन मेन रीज़न थे जिस वजह से स्कूल स्टेट गवर्नमेंट चाहती है ऑनलाइन एग्ज़ाम हो सभी स्टेट्स के अंदर। अब गाइज कई स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी अलग टाइप की है, उनके अलग हालात है स्टेट के, तो उन्होंने बोला कि हमें तो ऑनलाइन करवाने के लिए हम रेडी नहीं है, तो उन स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अकॉर्डिंग डिसीजन दिया। तो गाइज सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को बर्डन नहीं डाला, लेकिन इनडायरेक्टली उनको गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी, अगर वो गाइडलाइन फॉलो कर सकते हैं तो हो जाएगा आपके ऑफलाइन, वरना मैक्सिमम चांस ऑनलाइन होने के है। तो गाइज कल की मीटिंग का फैसला मैंने आपको दे दिया, अगर गाइज आपको वो वीडियो देखी नहीं आपने तो जल्दी जाके मैच पे देख सकते हो, अगर आपको अगर आज की वीडियो समझ आ गई है कैसे आपके एग्जाम होने वाले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स से शेयर करना, वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन तो मुझसे फ्रीली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही, अपने फिर भी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आज नहीं गए सेफ रहो।